एग्जाम सभी विद्यार्थियों के जीवन में एक बुरे सपने की तरह होता है। हमें बचपन से ही एग्जाम का डर लगने लगता है और जब हम बड़े होते हैं तो एग्जाम और भी ज्यादा टफ और चैलेंजिंग होने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही दुनिया के 10 सबसे टफेस्ट एग्जाम के बारे में। नंबर 10, CCIE यानी सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। CCIE एग्जाम टॉप रैंकिंग इंटर नेटवर्क ऑफिसर्स को चुनने के लिए लिया जाता है ताकि वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार कर सके। इस एग्जाम में मात्र 3% कैंडिडेट ही सफल हो पाते हैं। यह एग्जाम दो लेवल पर लिया जाता है। पहला लेवल क्रॉस करने पर कैंडिडेट को दूसरे लेवल का परीक्षा देने का मौका मिलता है और दूसरे लेवल की परीक्षा लगातार 8 घंटे चलती है और इसमें मात्र 1% परीक्षार्थी ही सफल हो पाते हैं। नंबर 9, गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट एक ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। यह पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए विभिन्न यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस के लिए होता है। यह एग्जाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर के द्वारा लिया जाता है और विभिन्न IIT जैसे IIT मुंबई और IIT रुड़की द्वारा भी लिया जाता है। इसमें मात्र 1.5% छात्र ही सफल हो पाते हैं। इस एग्जाम में 99 से ज्यादा परसेंटाइल लाने वाले छात्र ही सफल हो पाते हैं। नंबर 8, गाओकाओ। गाओकाओ एक चाइनीज नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम है। यह एग्जाम 9 घंटे तक चलता है जिसमें मैथमेटिक्स और मैंडरिन सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। इस परीक्षा में शामिल हुए कितने परीक्षार्थी पर डॉक्यूमेंट्री भी बन चुके हैं। यह काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल एग्जाम है। यह चाइना का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। नंबर 7, JEE एडवांस ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड। इससे पहले IIT JEE के नाम से भी जाना जाता था। यह एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है जिसे प्रतिष्ठित IIT और NIT में एडमिशन के लिए लिया जाता है। इसमें हर साल लगभग 10 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं पर सिर्फ 10,000 ही सिलेक्ट हो पाते हैं। यह एग्जाम 2 पेपर्स में डिवाइडेड होता है और प्रत्येक पेपर्स के लिए 3-3 घंटे का समय मिलता है। यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है और प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और गलती होने पर सही में से 1 अंक काट लिए जाते हैं। नंबर 6, UPSC इंडिया यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एग्जाम UPSC द्वारा हर साल सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति के लिए लिया जाता है। यह एग्जाम 3 फेजेस में होता है। पहला फेज प्रीलिम्स होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें क्वालिफाई करने वाले छात्रों को दूसरा फेज यानी मेंस में देने का मौका मिलता है जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर अंत में इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट का अंतिम सिलेक्शन हो पाता है। इस एग्जाम को हर साल लगभग 10 लाख विद्यार्थी देते हैं और इसमें से सिर्फ 1,000 ही सफल हो पाते हैं। इसलिए इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। नंबर 5, मेंसा। मेंसा दुनिया का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना IQ सोसाइटी है। इसे ऑस्ट्रेलियन बैरिस्टर रोलांड बैरल और ब्रिटिश साइंटिस्ट लैंसलॉट वायर ने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में 1946 में बनाया था। इसमें शामिल होने के लिए एक ही क्राइटेरिया है, हाईएस्ट IQ यानी 160 से ज्यादा। इस एग्जाम में 99.8% लाने वाले परीक्षार्थी का ही चयन होता है। यह एक इंटरनेशनल IQ टेस्ट एग्जाम है जिसे हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग देते हैं पर उनमें से सिर्फ 5,000 ही चयनित हो पाते हैं। नंबर 4, GRE यानी ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। यह एग्जाम USA में सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज जैसे MIT, Yale और Harvard में चयन के लिए लिया जाता है। यह एग्जाम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड में लिया जाता है जिसमें पूरे दुनिया के छात्र सम्मिलित होते हैं। यह एग्जाम 6 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं जैसे एनालिटिकल राइटिंग, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इश्यू टेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट और रिसर्च सेक्शन। इसमें मात्र 0.1% छात्र ही सफल हो पाते हैं और इसका स्कॉलरशिप भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। नंबर 3, CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। CFA एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्टैट्यूट एग्जाम है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा इसे दुनिया का टफेस्ट फाइनेंशियल एग्जाम घोषित किया गया। लगातार अटेम्प्ट देने के बाद भी मात्र 15% छात्र ही सफल हो पाते हैं। यह एग्जाम 3 चरणों में होता है जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव और 1 ऐसे टाइप पेपर होता है। मात्र 9% कैंडिडेट ही तीनों पेपर को क्लियर कर पाते हैं। 2018 तक पूरे दुनिया में इस एग्जाम को मात्र 1,50,000 लोगों ने ही क्लियर किया है। नंबर 2, ऑल सोल्स प्राइज फेलोशिप। यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम में 4 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। इस एग्जाम में कैंडिडेट को 1 वर्ड दिए जाते हैं और उस पे उन्हें 5,000 वर्ड लंबा लेख लिखना होता है। हर साल मात्र 2 परीक्षार्थी इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं। नंबर 1, मास्टर सोमेलियर डिप्लोमा एग्जाम। यह एग्जाम दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है। यह एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है जिसमें थ्योरी, सर्विस और ब्लाइंड टेस्टिंग शामिल है। पहला 2 स्टेजेस तो इजी होते हैं और बहुत ज्यादा विद्यार्थी उसे क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन ब्लाइंड टेस्टिंग एग्जाम में कैंडिडेट को बिना वाइन को देखे और बिना पेयरिंग फूड को छुए उसे बताना होता है कि यह कब बना और इसका इतिहास क्या है और किस जगह पर सबसे ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है, क्योंकि यह एग्जाम एक्सपोर्ट वाइन मेकर्स और फूड पेयरर्स के लिए होता है। इस एग्जाम में कैंडिडेट एवरेजली 2 से 3 अटेम्प्ट लेते हैं और कई बार तो 6 अटेम्प्ट भी लेते हैं। यह एग्जाम UK में 40 वर्षों से लिया जा रहा है और अब तक मात्र 200 परीक्षार्थी ही सफल हुए हैं
अब तक 40 वर्षों में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचक ज्ञान जानने के लिए धन्यवाद।